हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशंस। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो कैसे बना सकते हो लेबर कार्ड ऑनलाइन 2020 में। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल की जो लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पेज पर आनी है। इस पेज का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो wblc.gov.in सर्च करोगे तो भी आप इस पेज पर आ जाओगे। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा ई सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जो आपको इस तरह कुछ दिखाई मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन लॉगिन का फॉर्म आता है, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर दिखाई दिया लेबर कमी, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्ट वगैरह दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट माइग्रेंट, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता आई एग्री, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने यूज़र इंटरफेस का साइनिंग ऑफ आ जाता है, तो अगर आप यहाँ पर लॉगिन पहले से किए हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, और नहीं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने जो न्यू यूजर पेज का जो ऑफिशियल पेज है जो आपको सामने खुलकर आ जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी यूज़र आईडी का जो लोकेशन होता है आपको यहाँ पर अपना फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो भी फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, उसके बाद आपकी मिडिल नेम को आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, उसके बाद आपकी जो भी लास्ट नेम है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दिया आईडी टाइप, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने जो भी आईडी है आपको, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, टेन कार्ड, लीन कार्ड, या फिर आपका ई पिक कार्ड, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। टेन कार्ड का मतलब होता है टैक्स एडिट, जो भी आपका कार्ड नंबर है आपको दे सकते हैं। लीड कार्ड का मतलब होता है लेबर इन्फॉर्मेशन नंबर, आपको जो भी डाल सकते हैं। ईपिक का मतलब होता है वोटर आईडी, यहाँ से कुछ भी आप आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पर नंबर डाल को फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी आपकी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि ईमेल, जीमेल, या फिर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपके आता है अदर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपका कोई और है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं दे सकता आपका यहाँ पर ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है अपनी एड्रेस, ठीक है ना, आपका एड्रेस जो भी है, जो आपके आधार कार्ड आईडी में है, आपको अपनी एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं अपने वेस्ट बंगाल के, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है सेलेक्ट सब डिविजन, यानी आपका जो भी ब्लॉक है आपको यहाँ से आपकी ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है सेलेक्ट एरिया टाइप, आपका जो एरिया है वो किस तरह का एरिया है, जैसे कि म्यूनिसिपलिटी या फिर ब्लॉक आता है, तो आपका ब्लॉक आता है तो ब्लॉक पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पर आता है सेलेक्ट ब्लॉक, आपको यहाँ फिर से अपना ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है आपका ग्राम पंचायत, तो आपका भी जो भी ग्राम पंचायत है फिर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। सारा का सारा जो आपका इन्फॉर्मेशन है आपको पुलिस स्टेशन में सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आपको कर देनी है। उसके बाद आपकी जो भी एरिया का पिन कोड है आपको यहाँ पर इसको फिलअप करनी है। उसके बाद आपका स्टेबलाइज इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी जहाँ पर आप अभी फिलहाल रह रहे हो या फिर काम कर रहे हो उसका आप इन्फॉर्मेशन डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है, आपका जो लोकेशन है जहाँ पर आप काम करते हैं उसका नाम डाल देना है। उसके बाद अगर आपका कॉन्टैक्ट और दोनों सेम है तो आपको सेम एज कर देनी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना और नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, और कितने वर्कर एम्प्लॉय है आपके घर में, जैसे कि आपका नंबर ऑफ रेगुलर, जैसे मेल में कितने हैं, एक या तो एक डालोगे, फीमेल में कितने डालोगे, अगर कोई बच्चा है एडोलेसेंट्स तो यहाँ पर डालोगे मेल में, और फीमेल में नहीं है तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो इस तरह आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है वर्कर के अनुसार। उसके बाद आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो अपने आईडी पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करनी है। तो आपकी यूज़र आईडी आप दे सकते हैं, जैसे कि आपका नाम और कोई नंबर हो 2345, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ ठीक है ना, हज, कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर क्लिक करनी है, उसके बाद फिर से दोबारा पासवर्ड क्लिक करनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर यानी कि सबमिट पर क्लिक कर देनी है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो है साइन इन यहाँ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ साइन इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में आना और ऊपर में क्लिक हेड लॉगिन पर क्लिक करनी है, उसके यहाँ पर जो आपने अभी आईडी बनाया उस आईडी को यहाँ से फिलअप करके आप यहाँ पर लॉगिन होके अपने जो भी अपना फ़ोटो वगैरह यहाँ पर चिपका करके अपना जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। टेक केयर्स, बाय बाय।